तो आप ज्यादा से ज्यादा 1 इंच का फिटिंग करें। ये देखना दोस्तों, दोस्तों ये कम से कम भी 7 फुट की हाइट पर दूर जा रहा है पानी। ये देखिए कितना आगे तक जा रहा है पानी, ये शावर का प्रेशर देखो। अब आप देख सकते हैं इसमें दोस्तों, अगर आप ग्राइंडर और कोड़ी की सहायता से हो निकाले तो बहुत जल्दी आपका हो निकल जाता है। और दूसरा दोस्तों, आपको निप्पल गर्म करके उसमें ज़्यादा टाइम भी लगता है, और उसमें दोस्तों फिनिशिंग इसमें होता है। आप इस तरह से अगर हो निकालते हैं तो बहुत आसानी से हो निकल जाएगा और काम भी आपका सुंदर होगा। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिशियन एंड प्लम्बर चैनल। दोस्तों यहाँ पे 2 वाटर टैंक रखने वाले हैं, तो इसका कनेक्शन किस तरह से करेंगे उसके बारे में पूरा डिटेल्स बताऊंगा। और इधर अपना 1 इंच का लाइन भी हमने ऊपर से वो किस तरह से लिया गया उसके बारे में पूरा डिटेल्स बताऊंगा। यहाँ पे दोस्तों हमने 1 इंच का वॉल लगा दिया, अपना 2 टैंक का होगा, यहाँ पे ऊपर एक कनेक्शन होगा उनका, और यहाँ पे हमने बड़ा सीनरी वॉल लगा दिया है। और यहाँ पे दोस्तों हमने ज़्यादा लॉन्ग विंड यूज़ किए हैं ताकि पानी का वो जो प्रेशर है वो अच्छा बने रहे, देख सकते हैं आप। और आप इधर देख सकते हैं दोस्तों, ये अपना OTS है जहाँ पे ही अपना गीजर लगेगा, दोनों दो इधर दोनों लेट बात है दोनों साइड में, तो ये एक गीजर से दोनों का काम होगा, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों किस तरह से नीचे अपना बाथरूम का CPU फिटिंग किया गया है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, किस तरह से इसके बारे में पूरा डिटेल से बताऊंगा दोनों बाथरूम का। और ये 2 टैंक जो अपने हैं दोस्तों, ये किस तरह से ऊपर कनेक्शन होंगे उसके बारे में पूरा डिटेल से बताऊंगा। दोस्तों इनमें होल करेंगे वो अपना निप्पल से गर्म करके नहीं करेंगे, हम पे ग्राइंडर की सहायता से कोलबिट की सहायता से इसे होल करने वाले हैं। ये अपना कोलबिट है, आप देख सकते हैं इस कोलबिट से कटिंग करेंगे। तो दोस्तों आप पूरी जानकारी से देखिए और हमारे पूरा डिटेल से देखिए, वीडियो के अंत तक बने रहें। और दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब जब भी टैंक निप्पल टैंक होता है वहाँ पे जो होल करते हैं इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये समतल जगह एकदम, और यहाँ पे देख सकते हैं ये ऊपर नीचे। तो दोस्तों आप जो होल निकाले वो ऐसी जगह पे निकालें ताकि एक तो अपना जो कनेक्शन जहाँ पे निकालेंगे वहाँ से वो टंकी फटने का डर नहीं रहेगा, और एक आपका जो लीकेज है पीछे से लीकेज नहीं होगा। काफ़ी जगह देखते हैं दोस्तों कनेक्शन टैंक अगर सही नहीं लगा होता है तो पीछे से लीकेज होता रहता है, तो उससे बचने के लिए दोस्तों इस तरह की जगह आप यूज़ करें। अब यहाँ पर ये जो 3 जगह ऐसी हैं दोस्तों, यहाँ पर 1 जगह तो ऐसी है और 3 जगह इस तरह की आपको जगह मिलेगी, तो आप यहाँ पे होना करें। इस तरह की जो जगह होती है समतल जगह होती है जहाँ पे अपना वाशर जो टैंक निप्पल का वाशर होता है वो आसानी से एक लेवल में लग जाए वहाँ पे आप निप्पल है। और यहाँ पे हम होल करने वाले हैं, तो इससे पहले मार्किंग कर लेते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों अपने पास माचिस की तीली है, इसे हम होल करेंगे इस तरह से। ये अब इतने का अपने इतना कटिंग करना है इसको दोस्तों। हमारे पास छोटा बेटा दोनों बेटा, अभी फिलहाल हमारे छोटा बेटा, तो हम इसे होल करेंगे। दोस्तों आप जो भी होल करते हैं उसे थोड़ा टाइट रखेंगे तो आपको लीकेज है वो नहीं होगा, और ये अंदर जो एक्स्ट्रा PVC है अभी इसकी टैंक के वो हटा देंगे ताकि ये जो अपन कसआउट करेंगे टैंक निप्पल को तो उसमें लीकेज उसमें बीच में ना हो, अगर बीच में आएगा तो उससे लीकेज कर देते हैं। दोस्तों अब ये टैंक निप्पल जिसमें टाइट जाना चाहिए इस तरह से देखें दो इस तरह चूड़ी में, तो दोस्तों क्या होगी अपना लीकेज वो नहीं हुआ बिल्कुल भी। ये देखिए दोस्तों ये टाइट जा रहा है, लूज रहेगा तो लीकेज हो सकता है। इस तरह से आप लगाएं, इसी तरह से दोस्तों अपना ये इनलेट का आउटलेट का हो जाएगा। इनलेट का हम ऊपर निकालेंगे यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे अपना भरने के लिए होगा जो अपना मोटर से कनेक्शन है वो उसके लिए। यहाँ पे दोस्तों अपना टैंक भर जाने के बाद में आउट होगा आउटलेट होगा, वहाँ पे भी निकालने वाले हैं दोस्तों। तेरे दोस्तों इस टैंक में भी कनेक्शन कर लेंगे, आप भी हम धीरे धीरे होते रहेंगे। दोस्तों अगर आप
ग्राइंडर और कॉर्ड की सहायता से हो निकाले तो बहुत जल्दी आपका हो निकल जाता है। और दूसरा दोस्तों आपको निप्पल गर्म करके उसमें ज़्यादा टाइम भी लगता है और उसमें दोस्तों फिनिशिंग इसमें होता है, आप इस तरह से अगर हो निकालते तो बहुत आसानी से हो निकल जाएगा और काम भी आपका सुंदर होगा। निप्पल लगाते हैं तो इस तरह से आप थोड़ा टेफ्लॉन टेप लगा दें ताकि आपका जो लीकेज का 1% भी जो चांस होता है वो ना हो। इस तरह से स्कोप लगा देंगे दोस्तों, दोनों टैंक निप्पल दोस्तों हम इसी तरह से टाइट करने वाले हैं। और दोस्तों ये जो चेक नहीं करना दोस्तों में अंदर जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से बाहर की साइड से ही थोड़ा पूरा अंदर जाने की जरूरत नहीं है। इस तरह से दोस्तों यहाँ पे ये चक्र लगा देंगे, इसे बाहर की साइड से टाइट कर देंगे। पहले यहाँ पे पाइप लगा लिया था अपना, यहाँ पे हमने एंड केप लगा दिया था दोस्तों, पहले यहाँ पे गैस पाइप लगाने का विचार था लेकिन यहाँ पे दोस्तों बंदर बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं इसलिए हमने यहाँ पे कट करके, ये देखिए दोस्तों बंदर भी यहीं पे हैं दोस्तों, ये पाइप गैस पाइप को तोड़ देते हैं। तो हमने यहाँ पे एंड केप लगा दिया और यहाँ पे कट करके, और यहाँ पे दोस्तों जो टैंक टैंक अपना जो टैंक होगा उसी के पास हम गैस पाइप खड़ा करने वाले हैं। तो यहाँ पे अपना ये 1 इंच का टॉयलेट का लाइन हो गया बाथरूम का, और ये 1.5 इंच का अपना वाटर जो मोटर से पानी है उसके लिए। दोनों को अब दोस्तों बाहर की साइड से जोड़ने वाले हैं, अब दोनों में 2 होल नहीं किए हमने, सिंगल सिंगल होल करके दोनों में टी लगा के हम इसे जोड़ने वाले हैं। दोस्तों हम यहाँ पे अपना टैंक रखने वाले हैं, दोस्तों हम यहाँ पे टी लगाने वाले हैं, जो अपना दूसरा टैंक का कनेक्शन होगा वो इसी से होगा, तो यहाँ पे टी लगा देते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम यूनियन लगाने वाले हैं, जब भी टैंक को अलग करना हो तो यूनियन खोलेंगे, सफाई सफाई करना हो। दोस्तों यहाँ पे अपना टैंक आएगा, दोस्तों यहाँ पे पीवीसी का जो है एफटी लगा देंगे क्योंकि बाहर की चूड़ियाँ हमारे पास है, तो यहाँ पे एफटी लगा देंगे। दोस्तों तो हमें खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसे हम चिपका देते हैं क्योंकि हमारे पास यूनियन लगा हुआ है। दोस्तों हमने यहाँ पे वाटर टैंक फिटिंग अपना कर लिया है, किस तरह से हमने किया है उसके बारे में पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ आपको। दोस्तों अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दोस्तों अपने गैस पाइप हम यहाँ पे लगाने वाले थे लेकिन दोस्तों वही है कि यहाँ पे बंदर ज़्यादा ही परेशान करते हैं, तो यहाँ से हमने कट कर दिया इसको, यहाँ पे एंड केप लगा दिया, यहाँ पे जो टी लगा हुआ है। और दोस्तों अपना जहाँ नीचे के लिए जो पानी जाता है जहाँ से, तो सबसे बेस्ट होता है कि वहीं पर अपन गैस पाइप लगें, तो बेस्ट यहीं पर होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर बंदर के परेशान के कारण हमने यहाँ से हटा दिया है। तो दोस्तों हमने टी लगा दिया, यहाँ पे टी लगाया इसलिए कि ताकि यहाँ पे 2 टैंक है दोनों का एक ही कनेक्शन होने वाला है, तो उधर मैं बताने वाला हूँ, पहले आपको बता देता हूँ। यहाँ पे टी लगा दिया, यूनियन लगा दिया टैंक को अलग करने के लिए, 245 से इसे मिला दिया है, टी लगा दिया। दोस्तों गैस पाइप वो हमने यहाँ पे किया है, आप देख सकते हैं 245 लगा के यहाँ पे इस जो गैस पाइप ना ये चिपक जाएगा इस तरह से। दोस्तों जब इस यहाँ पे GIR से इसे बांधने वाले हैं, और यहाँ पे हमने 1 इंच का कनेक्शन लगा दिया है। इस तरह से दोस्तों हमने एक टैंक अपना टैंक का कनेक्शन किया है। दूसरे टी लगा था वो यहाँ पे है, 245 से यहाँ पे यूनियन लगा दिया, यहाँ पे भी हमने टी लगा के 245 लगा के अपना कनेक्शन बना दिया है गैस के लिए, और यहाँ पे टैंक निप्पल लगा दिया। इस तरह से दोस्तों हमने 2 टैंक का एक जगह कनेक्शन किया है, दोनों को दोस्तों हमने आपस में नहीं मिलाया है यहाँ पे, तो 2 होल से हमने बचे नहीं, 2 सिंगल यहाँ पे बना दिए हैं, एक एक्स्ट्रा होल निकालना पड़ता उससे हमने कम कर दिया है, वो हमने यहाँ पे निकाल दिया। और दोस्तों गैस पाइप है वो कहाँ पे बनता है उसके बारे में पूरा डिटेल से, दोस्तों अपना गैस पाइप होता है वो वहाँ पे बनता है तो सबसे अच्छा रहता है।
यहाँ पे वाटर टैंक अलार्म के लिए हमने यहाँ पे फोन छोड़ दिया है। हम जब भी यहाँ पे वायरिंग करेंगे तो इसका कनेक्शन करेंगे। तो अपने जो मोटर से इनलेट होगा वो यहाँ पे हमने यहाँ पे लॉन्ग बेल लगाया ताकि मोटर का जो प्रेशर वो रिलीज कम हो, उसका दाब उस पर कम बने, इसलिए हमने लॉन्ग बेल लगाया ताकि मोटर पे दाब कम बने। आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने हर चारों तरफ जितने भी हमने एल्बो की जगह हमने यहाँ पे लॉन्ग बेल लगाए हैं। जैसे दोस्तों हमने ये अपना टैंक का कनेक्शन किया और दूसरा नीचे दोस्तों हमने जो सीपीसी अपने फिटिंग लिया है वो किस तरह से लिया गया है उसके बारे में पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ आपको। अब वीडियो के अंत तक बने रहे दोस्तों। अपने यहाँ से ऊपर से एक इंच का लाइन है दोस्तों, हमने वाल है ब्रास हैंडल वाला यहाँ पे लगाया है, वो इसलिए लगाया क्योंकि दोस्तों ऊपर जाने के लिए रास्ता नहीं है, तो जब भी ऑन ऑफ करना होता है तो हम यहीं से इसे ऑन ऑफ कर लेंगे। दोस्तों ये देख सकते हैं यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया, यहाँ पे हमने लॉन्ग बेल लगाया है और ये अपना बाहर पर दोस्तों जो अपना टैंक का पानी अगर छत पर चाहिए उसके लिए और मोटर का पानी चाहिए उसके लिए ये है। यहाँ पे टी लगा दिए, आप देख सकते हैं दोस्तों। आप कम से कम पीवीसी वॉल है वो यूज़ ना करें, अपना ब्रश हैंडल वाला लगे। अगर ख़राब भी होता है दोस्तों इसे आसानी से चेंज कर सकते हैं, अगर पीवीसी वॉल ख़राब होता है तो इसे फिटिंग को कट करना पड़ता है। यहाँ पे भी हमने लॉन्ग बेल लगा दिया, ये देखिए, और इधर भी लॉन्ग बेल लगा दिया है और इधर। अब दोस्तों 40 हमने यहाँ तक हमने OTS अपना यहाँ पे, तो यहाँ तक तो हमने अंडरग्राउंड लेके आए लाइन को, यहाँ पे ओपन कर दिया है 45 लगा के। अब दोस्तों नीचे का मैं नीचे जाके आपको पूरा डिटेल से बताता हूँ। दोस्तों अपना ये जो पॉइंट है यहाँ पे दोस्तों अपना ये हैंड शावर के लिए है और यहाँ पे अपने ये अपना गीजर का लाइन है और ये अपना कोल्ड वाटर के लिए है। यहाँ पे एक इंच का लाइन लेके आए हैं और यहाँ पे पुश लगा दिया दोस्तों हमने और यहाँ से पुश लगा के ऊपर की साइड कंट्रोल वाल दे दिया। तो आप ज्यादा से ज्यादा एक इंच का फिटिंग करें, ये देख लो दोस्तों, ये कम से कम भी 7 फुट क्या है कि दूर जा रहा पानी, ये देखिए कितना आगे तक जा रहा पानी। तो यहाँ पे आप जो शावर का प्रेशर देख सकते हैं वो देख सकते हैं, ये शावर का प्रेशर देखो, अब आप देख सकते हैं इसमें